तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने अपने फाइबर 6.5 फीट डिश एंटीना को 8 फीट में मॉडिफाइड कर दिया है। तो इसे 8 फीट में करने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ 80 और हेलासेट या हार्टवर्ड और 16 ये जितने भी ये वीक सेटेलाइट हैं, ये बहुत ही काफ़ी वीक हैं, जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल भी इसका सिग्नल ना के बराबर है। लेकिन 6.5 फीट डिश एंटीना पे थोड़ा बहुत आ जाता था, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया हूँ। थोड़ा रिजल्ट इसका हम देख लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों, किस तरह से मैंने बनाया हूँ वो भी मैं आपको अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा। और फिलहाल आप देख लीजिए कितना चैनल हमें मिला है। हेलासेट 39 का दोस्तों ये 94 चैनल हमें मिला है। तो दोस्तों, ये लगभग 5 बजे के समय का ये स्कैनिंग है। रात में हो सकता है चैनल कुछ और बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये चैनल मैंने स्कैन करके दिखा दिया है, और ये हमारे GT मीडिया V8 फाइंडर सेट फाइंडर का ये है सिग्नल। ये मैं दिखा देता हूँ, और ये चैनल मैं दिखा चुका हूँ आपको। और ये 40 41 40 41, ये पहले दोस्तों ये 39 38 39 38 39 कभी 40 होता था, लेकिन अभी इस समय 40 41 हो रहा है। तो दोस्तों, ये शाम का 5 बजे का समय है। आप देख सकते हैं सूरज डूबने को है, और मैं वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और मैं मीटर में आप लोगों को दिखा दिया हूँ। अब नीचे में पहले आप लोगों को डिश दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद नीचे में चल करके टीवी में दिखाऊंगा। ये हमारा GT मीडिया का मीटर है V8 फाइंडर 2, और इस पर 40 41 हो रहा है, और पहले हमें देखने को मिलता था 38 39 40, यानी 38 39 अक्सर करके होता था, 40 बहुत बाई चांस होता था। तो हमें ये चद्दर लगाने से मात्र 1% की बढ़ोतरी हुई है, वो भी वीक सिग्नल पर। अगर मैं कुछ 400-500 किलोमीटर थोड़ा आगे होता तो दोस्तों हो सकता है 2-3% सिग्नल मिल जाता। और दोस्तों, इसको थोड़ा और सावधानी से बढ़िया से इसको और बनाने पर शायद सिग्नल और थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन समय के अभाव के वजह से थोड़ा तबीयत किसी न किसी का ख़राब लगा ही रहता है, और अपना भी तबीयत कुछ गड़बड़ के वजह से जो है इस पर मैंने 3 दिन समय ख़राब किया। तो हमें 1% सिग्नल की बढ़ोतरी हुई है, और चैनल जो खिचपिच कर रहे थे वो बराबर चल रहे हैं। नहीं तो ये मार्च के महीने में दोस्तों ये हवा लू की तरह से चलना स्टार्ट हो गया है, और दिन भर आंधी तूफान के तरह से चलना स्टार्ट हो गया है। पहले तो हवा कुछ कम था, लेकिन आज से हवा बहुत काफ़ी हो गया है। तो इसके वजह से जो है हमारे यहाँ सिग्नल बहुत ही वीक हो गया है। अगर मैं इसको बढ़ाता नहीं तो इस समय जो भी चैनल पहले आते थे 70 चैनल के आसपास आते थे, वो भी चैनल दोस्तों वो इस समय नहीं आते। तो अगर जनवरी और दिसंबर या फरवरी का महीना रहता तो लगभग 125 के आसपास चैनल हमें मिल गया होता। तो दोस्तों, और बारीकी से थोड़ा बनाने पर ज़रूर थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क पड़ा होता, लेकिन समय का अभाव है अपने पास, क्योंकि कुछ और भी काम में लगे रहते हैं। तो दोस्तों जो है कि ये तो काफ़ी मेहनत का काम था, इसलिए मैंने इस पर बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाया। तो ये मैं अब अपने जो बॉक्स है T20 रेजर, ये वाला मैं बॉक्स में आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि हमारे T20 रेजर में ये इसका ट्यूनर थोड़ा GT मीडिया से हल्का कमज़ोर है, तो इसमें चैनल हमें कुछ कम मिले हैं दोस्तों। और मैं चला के तो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन हल्का फुल्का मैं आप लोगों को बहुत मामूली चलता हुआ आप देख भी पाएंगे, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। दोस्तों, इसमें तो हमें बहुत ज़्यादा चैनल नहीं मिला है, तो इसमें मैं आप लोगों को
ये देख लीजिए दोस्तों, इसमें हमें काम के चैनल पहले हमें 3 मिलते थे, अब हमें 5 चैनल मिले हैं, वो जो कि आपको देखने को मिलेगा। और हल्का फुल्का मैं चला के दिखा देता हूँ, फैन टीवी वगैरह, ये जो चैनल आप देख रहे हैं ये वो चैनल हैं। और ये अभी इसे मैं हॉटस्पॉट नहीं दिया हूँ, 78 चैनल दोस्तों इसमें आया है और जीटी मीडिया में 94 चैनल आया है। और दोस्तों 7 बजे के बाद ये फुल स्ट्रॉन्ग होता है ये सेटेलाइट, तो फिर देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने चादर जोड़ करके और इसे बनाया है, वो सब आप देखेंगे आगे की वीडियो में कि किस तरह से मैं इसे बनाया हूं और कैसे चादर मैंने लगाया है। पहले मैंने इसे 8 टुकड़े में लगाया था, लेकिन ये बहुत पीछे को झुका था, मतलब बिल्कुल बराबरी में नहीं था, तो फिर मैंने इसको और अंदर लिया थोड़ा 16 टुकड़े में।